हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्टेप आर्गुमेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग एंड पाइथन की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है। यदि आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर उनको देख सकते हो। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको फोर लूप के बारे में बताया था और एक रेंज फंक्शन के बारे में बताया था। यदि आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हो, बिकॉज उसके बिना आपको ये वाला समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पुरानी वाली एग्जांपल फिर से ले ली, ठीक है। इस बार हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, मतलब कि 9 तक प्रिंट होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक और कॉमा डालकर यहाँ पर लिख दिया 2। ये क्यों लिखा है वो आपको पता लग जाएगा, प्रिंट फंक्शन वही सेम है। मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। पर प्रिंट क्या होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। वो कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा है 2 का क्या मतलब है कि एक इंटीजर छोड़कर अगला प्रिंट हो जाए। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 उसने छोड़ दिया, फिर 3 के बाद 4 छोड़ दिया, फिर 5, ऐसे ऐसे करके 9 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हम यूज करते हैं जब हमने कुछ भी स्टेप आर्गुमेंट करना हो या फिर स्टेप्स, कुछ भी स्टेप्स छोड़ने हो, ठीक है। जैसे कि 1 के बाद 2 को छोड़ दिया, 3 के बाद 4 को, 5 के बाद 6 को और 7 के बाद 8, ठीक है। इसी तरह यदि आप चाहते हो कि 9 से लेकर 1 तक प्रिंट हो तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है 10, क्योंकि 9 लिखने के लिए पहले यहाँ पर लिख देते हैं 9, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया कहाँ तक जाना चाहिए, ये 0 तक, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाल देना -1 और मैंने इसे रन कर दिया। रन करने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये क्यों आया, इसने क्या चेक किया, 9 से लेकर 0 तक इसने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर मैंने -1 लिखा है बिकॉज ये एक एक का डिफरेंस हो, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ -1 की जगह -2 तो रन करूँ तो आ जाएगा 9, 7, 5, 3, 1। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि स्टेप आर्ग्यूमेंट को हमने कैसे यूज करना है इन फोर लूप, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।